ऐसा नहीं है कि भारत इस स्थिति से सुरक्षित है। भारत हमेशा से ही व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट अर्थात वास्प देशों की आंखों में खटकता रहा है। अमेरिकी एजेंसियां और वहां से जॉर्ज सोरोस जैसे अरबपति रूस यूक्रेन जैसी स्थिति भारत में भी पैदा करना चाहते हैं। यहां पर उत्तर दक्षिण, आर्य द्रविड़, अगड़े पिछड़े, सवर्ण दलित की जितनी दीवारें खड़ी की गई हैं, वो सारी प्रोटेस्टेंट ईसाई षड्यंत्रों का हिस्सा हैं। इस पर हमारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। आज विश्व में दो विपरीत विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक ओर सनातन से जुड़ी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे भारत, जापान और मंगोलिया। दूसरी ओर अब्राहमिक शक्तियां हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य अपना विस्तार करना और दूसरों पर आधिपत्य पाना है। इनमें अधिकांश ईसाई और इस्लामी देश सम्मिलित हैं। स्वयं को लिबरल और प्रोग्रेसिव कहने वाले वामपंथी उनके स्वाभाविक साझेदार हैं। किसी भी समाज या व्यक्ति के अस्तित्व के लिए मित्र और शत्रु की पहचान का गुण होना आवश्यक है। स्वतंत्रता के बाद बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से भारतीय समाज के ये दोनों ही गुण समाप्त कर दिए गए। मित्रबोध और शत्रुबोध न होने का परिणाम है कि एक समाज के रूप में हम तय नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सभ्यताओं की लड़ाई है, जिसमें एक से अधिक शत्रु हमारे सामने हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट ईसाई समूह अर्थात वास्प अधिक बड़ा खतरा है। उनकी एकमात्र रुचि हमें धर्मांतरित करके पूरी भारतीय सभ्यता को नष्ट करने में है। अमेरिका का पूरा भारत विरोधी तंत्र हमारे देश की इस्लामिक कट्टरपंथी शक्तियों का साथ क्यों देता है? इसका उत्तर भी इसी बात में छिपा है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि रूस यूक्रेन के बाद उनका अगला मैदान भारत ही होगा। ऐसे में एक सामान्य नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं? पहला, अमेरिकी कंपनियां नेटफ्लिक्स और अमेज़न भारतीयों का भी ब्रेन वॉश कर रही हैं, इनसे दूर रहें। दूसरा, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां अमेरिका का हथियार हैं, उन पर पूरी आश्रितता न रखें। तीसरा, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब अमेरिकी दुष्प्रचार तंत्र का हिस्सा हैं, इनके प्रयोग में सावधानी रखें। चौथा, भुगतान के अमेरिकी माध्यमों से बचें, रूपे, यूपीआई, भीम जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें। पांचवा, चुनाव में राष्ट्रवादी दलों को ही वोट दें, लेकिन उन पर कड़ी दृष्टि रखें, क्योंकि राष्ट्रवादी दलों में भी अमेरिकी एजेंसियों के हाथों बिक चुके लोगों की भरमार है। एक्सपोज करते रहें।